नमस्कार दोस्तों, मैं विनय त्रिपाठी आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। और आज भी हम लोग कक्षा 7 के गणित की एक्सरसाइज 6C के बचे हुए कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो उसमें प्रश्न नंबर 9 जो है वो इस प्रकार से है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उन संख्याओं को बताइए। तो दोस्तों, क्रमागत संख्याएं जो है कंटिन्यूअस होती है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। तो ये प्रश्न लगाना नहीं है, बल्कि बच्चों से कहना है कि आप सोच के बताओ ऐसी कौन सी दो लगातार संख्याएं होंगी जिनको जोड़ दे तो 21 आएगा। बच्चा एक दो प्रयास करने के बाद खुद ब खुद उसका आंसर बता देगा। तो फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लगा सकते हैं। माना एक संख्या एक्स है। क्या है? एक्स। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? तो दूसरी क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है उसके जस्ट आगे वाली। तो इसमें एक जोड़ देंगे, x प्लस 1 हो जाएगी। तो अब प्रश्नानुसार क्या होगा जो हमें दिया गया है? x प्लस 1 दोनों का योगफल 21 है। दोनों को जोड़ दिया, बराबर 21। तो x और x कितने हो गए? 2x प्लस 1 बराबर 21। और ये 1 आ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो 2x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 1, यानी 2x बराबर हो जाएगा 20। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 20, और ये 2 आएगा इधर बटे में, तो 20 बटे 2, 2 दहाई 20। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर आ गया मेरा 10। तो अतः पहली संख्या हो गई मेरी 10, और इसके जस्ट आगे वाली संख्या दूसरी क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है इसके बिल्कुल आगे वाली। तो 10 के बाद गिनती में क्या आता है? 11। 10 में एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11। और इस तरह से यही मेरा जो है आंसर आ गया। संख्याएं हो गई 10 व 11। समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं, लगाने में बहुत बड़ा हो जाता है, परंतु अगर दिमाग से सोचे तो ये बहुत छोटा प्रश्न है। तो दोस्तों, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वैसे तो बच्चे से कहो कि खुद उसका आंसर दे, परंतु अगर लगाएं तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। माना कि पहली सम संख्या कितनी हो जाएगी? x। पहली सम संख्या बराबर x। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? क्रमागत का मतलब इसके जस्ट आगे वाली, लेकिन सम संख्या। तो ये एक नहीं जुड़ेगा, इसमें कितना जुड़ेगा? 2, x प्लस 2। क्योंकि अगर एक संख्या 2 है सम, तो उसके आगे वाली कितनी होती है? 4, 3 नहीं होती है। तो 2 में 2 जोड़ा तब 4 आया। अगर 6 है तो उसके आगे वाली 8 होती है, 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। ठीक है, तो इसलिए x प्लस 2 हो गई दूसरी क्रमागत संख्या। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है? दोनों का योग 30 है, यानी x प्लस 2 बराबर 30। तो ये x और x हो गया 2x प्लस 2 बराबर 30। तो अब यहां से जो है 2 जाएगा बराबर के इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 30 माइनस 2, तो 2x बराबर हो गया 28। अब ये 2 जाएगा यहाँ पे बटे में, क्योंकि ये इधर है गुणे में, तो x बराबर 28 बटे 2, और 2 एकम 2, 2 चौको 8, x बराबर आ गया 14। इसका मतलब ये हुआ मेरा कि अतः पहली सम संख्या क्या आ जाएगी? 24। कितनी आई है? 24। और इसी के बाद क्रमागत दूसरी सम संख्या क्या होगी? 14 के बाद वाली संख्या कितनी होगी? हाँ जी, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 14 और 2 हो जाएगा 16। तो इसी तरह से मेरा आंसर आ जाएगा
अतः संख्याएं कितनी आ जाएंगी जो हमसे प्रश्न में पूछा था, 14 और 16, और यही मेरा जो है आंसर आ गया। दोस्तों समझ गए होंगे आप। अब इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न की ही तरह से है, बस सम की जगह पर इसमें आ गया है विषम। हाँ जी, तो इसको जो है वही बिल्कुल जैसे पीछे वाला प्रश्न किया है उसी तरह से करना है। आप लोग भी करिएगा और हमसे पहले करने का प्रयास कीजिए। माना कि पहली विषम संख्या x, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि इसमें भी विषम संख्या भी 2 के बाद आती है। जैसे 3 है तो 3 के बाद 4 छोड़ के 5 आएगी, तो 3 में 2 जोड़ा तब 5 आया है ना। इसी तरह से 11 है तो 11 के बाद 12 ना होके 13 होगी, 11 में 2 जोड़ने पे आएगी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों का योगफल 40 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो x और x हो गया 2x प्लस 2 बराबर 40 हो गया। अब यहां से 2x बराबर ये 2 आएगा बराबर के इस तरफ, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2, तो 2x बराबर 38, तो x बराबर हो जाएगा 38 बटे 2, तो 2 का 3 में 2 एकम 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 निम्मा 18, इस तरह से भाग देते हैं। तो x बराबर आ गया 19, तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः पहली कैसी संख्या पूछी थी हमसे, विषम, वही हम मैंने माना था। पहली विषम संख्या बराबर 19, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर 19 में कितना जोड़ देंगे, 2। जी हाँ, 19 धन 2 और ये हो जाएगा 21। दोस्तों वैसे तो ये प्रश्न हम बच्चों से ऐसे ही पूछेंगे, क्योंकि ऐसे वो बताएंगे तो उनके दिमाग का विकास होगा, दिमाग चलाएंगे अपने आप वो संख्याएं बताएंगे। फिर भी अगर बताना चाहें तो ऐसे बता लगा सकते हैं। तो अतः संख्याएं मेरी क्या आ गई, 19 और 21। ऐसे बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, और वैसे अगर हम लगाएंगे तो 2 मिनट में लगेगा। कि सोचो कोई भी 2 ऐसी विषम संख्याएं सोचो जो लगातार हों, क्रमागत हों और उनका योग 40 हो। तो बच्चा एक बार बताएगा, दूसरी बार बताएगा, फिर आगे चल के एक समय ऐसा आएगा कि जब वो सही उत्तर तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न इस तरह से है कि एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 4/5 हो जाती है, उस भिन्न को ज्ञात करना है। यहाँ पर हर दिया गया है 7, हमें अंश नहीं पता है, तो यही मैंने मान लिया कि माना अंश बराबर x, तो भिन्न क्या हो गई, तो भिन्न हो गई x/7, अंश हो गया x और हर दिया गया था 7। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। इस तरह के प्रश्नों में हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों। तो 3 जोड़ दें दोनों में, तो x यानी अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर जो मेरा 7 था उसमें भी 3 जोड़ दिया, और भिन्न हो गई 4/5। ठीक, तो अब ऊपर क्या हो गया, x प्लस 3, और नीचे हो गया 7/10 बराबर 4/5। अब इसमें हमें कर देना है वज्रगुणन। कैसा गुणन कर देना है, वज्रगुणन, या इसी को हम तिर्यक गुणा भी कहते हैं, करने पर। तो अब जो है ये जब मैं करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, 5 ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 10/4। अब ये 5 इधर चला जाएगा भाग में, तो x प्लस 3 बराबर 10/4/5 है ना। तो 5 से सीधा कट जाएगा, 5 × 10, ऊपर बचा 2 × 4, 4 × 8, और इधर x प्लस 3, तो x बराबर आ जाएगा 8 - 3, तो x बराबर 8 में से 3 गए 5।
इसका मतलब ये हुआ कि मेरी भिन्न कितनी होगी, अंश था x, अतः भिन्न बराबर 5/7। x की जगह पे मैंने x का मान रख दिया और यही मेरा जो है आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे।